नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। लखीमपुर खीरी में श्री कृष्ण जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जिले के बता दें कई मंदिरों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सजाया गया, तो वहीं कई जगहों पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर छोटे बच्चों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आपको बता दें सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छोटे बच्चों की तरफ से राधा कृष्ण की झांकी भी प्रस्तुत की गई। साथ ही पलिया तहसील क्षेत्र के संपूर्ण नगर में श्री बालाजी मंदिर स्थल पर भी कई कार्यक्रम किए गए, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त वहां पर शामिल हुए। तस्वीरें देख सकते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां पर कल पूरी धूमधाम के साथ पूरे देश में श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया। वहीं लखीमपुर खीरी में भी कई जगहों पर मंदिरों में जो हैं कई झांकियां लगाई गई, कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ऐसे में लखीमपुर खीरी में भी ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बने हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए भी नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में 9 जज का शपथ ग्रहण। जी हां, दिल्ली में 9 नए न्यायाधीशों ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ले ली है। जी हां, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। साथ ही न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में केवल एक पद ही रिक्त रह गया है, जिसमें 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है। और ऐसे में 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर उन 9 व्यक्तियों के नाम प्रकाशित किए, जिनकी शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई थी। बता दें मुख्य न्यायाधीश रमना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह निर्णय लिया, और इसमें शीर्ष अदालत के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल थे। इन नामों के बाद केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को इन नामों को मंजूरी दे दी थी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बता देते हैं कि वो कौन कौन से जज हैं जिन्होंने आज शपथ ली है। जस्टिस A.S. Oka हैं उनमें शामिल जिन्होंने शपथ ली है। वहीं जस्टिस विक्रम नाथ भी शामिल हैं जिन्होंने शपथ ली है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में 9 जिन जजों ने शपथ ली है, उसमें जस्टिस A.S. Oka, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस J.K. माहेश्वरी भी उन 9 जजों में शामिल हैं जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के जजों के तौर पर शपथ ली है। वहीं बता दें न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी उसमें शामिल हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 महिला जज शामिल हैं, जिसमें से एक न्यायमूर्ति हिमा कोहली हैं जिन्होंने आज शपथ ली है। वहीं दूसरी महिला जज जस्टिस B.V. नागरत्ना हैं जिन्होंने आज जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। बता दें 9 जजों ने शपथ ली है। वहीं जस्टिस C.T. रवि कुमार भी शामिल हैं इन सभी में जिन्होंने आज शपथ ली है, और ऐसे में 9 जजों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं जबकि 6 पुरुष हैं जिन्होंने शपथ ली है। ऐसे में जस्टिस M.M. सुंदरेश भी उन जजों में शामिल हैं जिन्होंने आज शपथ ली है, और सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों ने शपथ ली है। ऐसे में जस्टिस बेला त्रिवेदी भी उन जजों में शामिल हैं। 3 महिला जजों ने भी शपथ ली है। ऐसे में उनमें शामिल 3 महिलाओं में जस्टिस बेला त्रिवेदी भी हैं, जबकि वरिष्ठ एडवोकेट P.S. नरसिम्हा भी उन्हीं जजों में शामिल हैं जिन्होंने शपथ ली है। वहीं जस्टिस A.S. Oka भी शामिल हैं। तो ये वो तमाम जजेस थे जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली है। बता दें 34 जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अभी स्वीकृत संख्या है, और जबकि 24 अभी पूरी तरह से कामकाज जो हैं वो देख रहे हैं। ऐसे में 9 जजों के आज शपथ लेने के बाद अभी भी 1 सीट जो है वो खाली है। वहीं आपको ये भी बता दें सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में भी एक जज हैं, और ऐसे में न्यायमूर्ति नागरत्ना के पिता न्यायमूर्ति E.S. वेंकट
प्रेम नमैया 1989 में कुछ महीनों के लिए सीजेआई भी रहे थे और वर्तमान में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी शीर्ष अदालत में एकमात्र सेवारत महिला न्यायाधीश भी हैं। तो ऐसे में आज बता दें, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों ने शपथ ली है और ऐसे में सभी ने शपथ भी ली और पहली बार ये इतिहास में हुआ है कि पहली बार 9 जजों ने एक साथ शपथ ली हो और पहली बार ही इसका लाइव प्रसारण भी किया गया। आप भी तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज पहली बार इतिहास में हुआ है कि जब 9 जजों ने एक साथ शपथ ली हो, जिसमें बता दें शपथ लेने वाले जजों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि 6 जज पुरुष हैं और 3 महिलाएं जज भी उसमें शामिल हैं। साथ ही पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि 9 जजों ने एक साथ शपथ ली है और उन सभी का ये शपथ ग्रहण समारोह जो है उसको लाइव प्रसारित भी किया गया, दूरदर्शन पे इसका प्रसारण किया गया था। ऐसे में सभी ने शपथ ग्रहण समारोह भी देखा और केवल बता दें अब सुप्रीम कोर्ट में एक रिक्त पद जो है वो रह गया है। जज के तौर पर 34 जो हैं जज की स्वीकृत संख्या है, जिसमें 24 अभी तक पूरा कामकाज देख रही हैं और इसके अलावा आज जिन 9 जजों ने शपथ ली है उनके अलावा भी अभी भी एक रिक्त पद जो है वो बचा हुआ है। तो बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने आज शपथ ले ली है और इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि ये भी जानकारी मिल रही है कि 2027 तक एक महिला, पहली महिला सीजेआई भी बन सकती है। वहीं आज जिन 9 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ ली है, इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब पहली बार 9 जजों ने एक साथ इतने सारे जजों ने शपथ ली हो। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि इनमें 3 महिलाएं जज भी शामिल हैं। सुपरटेक एमरेलार्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। जी हां, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा और ऐसे में सुपरटेक के ये दोनों ही टावर 40-40 मंजिला हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये टावर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक की मिलीभगत से बने थे। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इनको 3 महीने के अंदर अंदर तोड़े और साथ ही खरीदारों की रकम ब्याज समेत लौटा दे। बता दें कि साल 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इन टावर्स को गिराने का निर्देश दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। 40-40 मंजिला इस सुपरटेक के टावर्स में 1,000 फ्लैट्स हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये टावर नियमों की अनदेखी करके बनाए दिए गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन भी लोगों ने इन सुपरटेक ट्विन टावर्स में अपने फ्लैट खरीदे थे उनको 12% ब्याज के साथ रकम लौटाई जाएगी। और साथ ही कहा गया है कि टावर्स को तोड़ते वक्त अन्य बिल्डिंग्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस G.Y. चंद्रचूड़ और जस्टिस M.R. शाह ने इस मामले की सुनवाई की। तो बता दें, अब सुपरटेक के 40 मंजिला के 2 ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है। एमरॉल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों और तीर्थ क्षेत्रों में मांस और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाए जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला, साधु संतों की बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उसका स्वागत किया है। बता दें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि सीएम योगी खुद एक संत हैं और वो जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं, इसीलिए धार्मिक स्थलों पर शराब और मांस की बिक्री बंद किए जाने के फैसले पर निश्चित तौर पर अमल भी कराया जाएगा। ऐसे में महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि सभी साधु संत भी मुख्यमंत्री के इस फैसले का पुरजोर समर्थन करते हैं और साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की पहले से ही ये मांग रही है कि हिंदुओं के सभी धार्मिक स्थलों पर मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई जाए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से धार्मिक स्थलों पर मांस और मदिरा की बिक्री पर पाबंदी लगाए जाने का ऐलान किया है, ये भी एक अच्छा संकेत है।
कोरोना महामारी की वजह से एक साल से ज्यादा के समय से बंद पड़े मंदिरों को अब खोलने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को प्रदेश बीजेपी आध्यात्मिक प्रकोष्ठ की ओर से राज्य भर के प्रमुख मंदिरों में घंटानंद और शंखानंद आंदोलन कर मंदिरों के कपाट खोलने की मांग की गई। ऐसे में राज्य में मंदिर खोलने को लेकर बता दें कि पुणे, नासिक, नागपुर, पंढरपुर और औरंगाबाद और अन्य स्थानों पर सोमवार को पूरे दिन बीजेपी के आध्यात्मिक प्रकोष्ठ की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही मंदिरों को खोलने के लिए आंदोलनकारियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए घंटे बजाए और शंखनाद भी किया। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के बावजूद अक्टूबर नवंबर में संभावित कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। इससे पहले बता दें, कोरोना की पहली लहर खत्म होने के बाद मंदिरों को खोलने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी से खासा विवाद भी हुआ था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल पर पलटवार किया था। और पहली लहर के बाद कुछ दिनों के लिए मंदिर खोले गए थे, लेकिन दूसरी लहर आने के बाद फिर मंदिर अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए थे। इससे अब एक बार फिर मंदिर खोलने का मुद्दा गूंज उठा है। वहीं राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने भी मंगलवार को दही हांडी समारोह की अनुमति नहीं देने के फैसले के विरोध में थाने में विरोध प्रदर्शन किया है। गुजरात पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर शाह ने कहा कि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक बच्चे और गर्भवती मां पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते। गृह मंत्री ने आगे कहा कि गांधीनगर के सांसद के रूप में मैंने ये फैसला लिया है कि यहाँ के सभी गर्भवती माएं और बच्चे स्वस्थ रहें और आज से हर महीने स्वयंसेवी संगठनों की मदद से गांधीनगर की 7000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को 15 पौष्टिक लड्डू दिए जाएंगे ताकि उन्हें अपने बच्चों के जन्म तक उचित पोषण मिल सके। ऐसे में शाह ने कहा कि ये योजना गर्भवती माताओं और उनके बच्चों के लिए अच्छे स्वास्थ्य के पोषण में फायदेमंद साबित होगी। साथ ही शाह ने कहा कि सही पोषण देश रोशन के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि देश में कोई भी माँ और बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए और इसीलिए देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में पहुंच चुका है। मोदी जी का यह अभियान आज एक जन आंदोलन बन चुका है। तो बता दें, गुजरात में अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में अमित शाह की तरफ से बड़ी पहल की गई है, जहां गर्भवती महिलाओं के लिए लड्डू वितरण योजना चलाई गई है और अब से सभी गर्भवती महिलाओं को लड्डू दिए जाएंगे। और साथ ही अमित शाह ने ये कहा है कि बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ रहने चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ गुजरात से हमारे ब्यूरो चीफ प्रणव सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव सिंह राजपूत, ये अमित शाह की तरफ से एक बड़ी पहल और अच्छी पहल भी की गई है कि अब गर्भवती महिलाओं को लड्डू दिए जाएंगे। जी हाँ, अहमदाबाद में अभी 3 दिन से जो हमारे देश के गृह मंत्री जो अमित शाह है वो 3 दिन से गुजरात के दौरे पे है और काफी जो बड़ी बड़ी योजनाएं है जैसे महिलाओं के लिए है और काफी सारी दूसरी भी काफी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनके बारे में वो 3 दिन का दौरा यहाँ पे किया हुआ है। और गुजरात में काफी जो विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं उनके पहले पहले काफी सुधार पूरे गुजरात में करने जा रहे हैं अमित शाह जी। जी प्रणव, और जिस तरह से ये अमित शाह ने ऐलान किया है, इस पहल की शुरुआत की है, तो किस तरह से अब घर घर जो है वो महिलाओं को लड्डू पहुंचाए जाएंगे, किस तरह से उनका वितरण किया जाएगा? इस तरह से अमित शाह का पहले ही ऐसा दौरा रहता है कि जब से वो गुजरात के जो गृह मंत्री थे तभी से और जब से देश के गृह मंत्री बने हैं तब एक बीजेपी का एक मॉडल रहा है कि जिस प्रकार से जो होम है सबको घर घर जाके मिलते हैं और घर घर जाके प्रचार प्रसार करते हैं और जिस प्रकार की जितनी भी योजनाएं हैं
ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी ऑफिस में आके और पार्टी वहां पे आके सभी को बुला के इकट्ठा करके सभी को योजनाओं के बारे में बताना है, लेकिन सभी जो उनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े जो नेता है वो सभी के घर घर जाके ये पूरी जो योजना है योजनाओं के बारे में बातचीत करते हैं। बिल्कुल प्रणव, और कहीं ना कहीं इस पहल से महिलाओं के लिए एक अच्छी बात तो जरूर है, क्योंकि देखिए अगर हम गांव देहात की बात कर ली जाए तो अक्सर वहां पर देखा जाता है जो महिलाएं होती हैं उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल पाता, जिससे ऐसी तमाम दिक्कतें उन्हें होती हैं। लेकिन अब अमित शाह की तरफ से ये पहल की गई है तो अब महिलाओं को, यानी कि गांधीनगर की स्पेशली महिलाओं को किसी भी तरह की अब दिक्कतें नहीं होंगी। जिस प्रकार से महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं और काफी आज जो बड़ा ऐलान अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री जी ने किया है महिलाओं के लिए, तो काफी संख्या में जो महिला है पहले से ही महिलाओं के बारे में ध्यान रखते ही है, जो वुमन पावर है वुमन पावर के लिए काफी ध्यान रखा गया है बीजेपी की ओर से। लेकिन आज जो बड़ा ऐलान अमित शाह के द्वारा किया गया है उसमें काफी सारी महिलाएं खुश भी है और खुशी का माहौल है। इस तरह से अमित शाह के जो आयोजन जो योजना है उनके ऊपर सभी महिलाएं खुश है। बिल्कुल प्रणव, और यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगी जो ये पहल की गई है क्या इसके लिए किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया होगी या फिर प्रशासन की तरफ से ही कुछ चुनिंदा जगहों पर जानकारी लेकर उन्हें घर घर पहुंचाए जाएंगे लड्डू? जिस प्रकार से जाना जाए कि अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है उनका संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर, वहां से उन्होंने इलेक्शन अभी जीता था और काफी जो स्टार्टिंग है जो जितने भी योजना वगैरह सभी का जो क्योंकि गुजरात एक बीजेपी का गढ़ भी है और गुजरात जो सीएम ऑफिस बोला जाता है वो भी गांधीनगर में आया हुआ है। इसमें जो भी योजनाएं हैं वो गांधीनगर से स्टार्ट होती है, लेकिन जो सभी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए है या किसी भी और योजनाएं हैं सभी योजनाओं को पूरे गुजरात में सभी को लाभ मिलेगा। जी चलिए प्रणव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अमित शाह की तरफ से गांधीनगर की महिलाओं के लिए एक अच्छी और बड़ी पहल की गई है जिसके तहत कहा गया है कि अब गर्भवती महिलाओं को लड्डू दिए जाएंगे और घर घर लड्डू पहुंचाए जाएंगे ताकि महिलाएं और बच्चा दोनों ही अच्छे रहें स्वस्थ रहें। और ऐसे में ये अभियान आज एक जन आंदोलन भी बन गया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं अमित शाह ने कही है और उनकी तरफ से ये गांधीनगर की महिलाओं के लिए बड़ी पहल है। भारतीय जनता पार्टी के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मुलायम सिंह यादव से स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं, तो वहीं दोनों ही पार्टियां इस मुलाकात को अपने अपने तरीके से प्रचारित करने में जुटी हुई हैं। बीजेपी के सूत्रों की माने तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सपा संरक्षक को कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में आने के लिए निमंत्रण दिया था, जबकि दूसरी तरफ सपा बीजेपी की इस गुगली से बचती दिख रही है। वहीं सपा की कोशिश ये है कि इस मुलाकात को स्वतंत्र देव सिंह को सपा में आने के न्योते के तौर पर प्रचारित किया जाए। ऐसे में मुलायम सिंह यादव और यूपी बीजेपी अध्यक्ष की मुलाकात की तस्वीर खुद जो है स्वतंत्र देव सिंह ने ही ट्वीट की है। और दरअसल यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके सरकारी आवास गए थे। जानकारी के मुताबिक वजह ये थी कि मंगलवार को लखनऊ में कल्याण सिंह के लिए होने वाली श्रद्धांजलि सभा में उन्हें आमंत्रित किया जाए। ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि सभा में आने का निमंत्रण दिया और बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश भी की। एक तो ये कि कल्याण सिंह के निधन पर मुलायम यदि श्रद्धांजलि सभा में ना आए तो इसी बहाने सपा को घेरने का उन्हें मौका मिल जाएगा। तो बता दें सपा संरक्षण ने दिया पार्टी में शामिल होने का नौता। स्वतंत्र देव सिंह जो हैं वो पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव से, स्वतंत्र देव सिंह ने मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन जानकारी ये दी जा रही है कि स्वतंत्र देव सिंह मुलायम सिंह से मुलाकात करने के लिए इसलिए पहुंचे थे क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा को आयोजित किया था, उसमें आमंत्रित करने के लिए स्वतंत्र देव सिंह मुलायम सिंह के आवास पर पहुंचे थे। लेकिन बीजेपी ने भी जो है वो सपा सरकार को इसमें घेरने की कोशिश की है और साथ ही ये भी बता दिया है कि अभी इसमें कहीं ना कहीं सियासी मायने जो हैं वो देखे जा रहे हैं।
भारत में पिछले 5 दिनों के बाद 40,000 से कम कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा भी अब कम हो गया है। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 30,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए हैं, जबकि 350 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 24 घंटे में 36,235 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 5,684 एक्टिव केस कम हो गए हैं। ऐसे में देश में लगातार 5 दिन में 40,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज हुए हैं। वहीं बुधवार की बात की जाए तो बुधवार को 46,164 मामले आए थे, जबकि गुरुवार को 44,658 मामले आए थे। वहीं शुक्रवार को 46,000 से ज्यादा मामले थे, जबकि शनिवार को 45,083 और सोमवार को 42,900 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। असम में कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाजोत महागठबंधन टूटने की कगार पर थी। सोमवार को कांग्रेस ने घोषणा की कि उसने बदरुहद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली AIUDF और आदिवासी पार्टी BPF से गठबंधन तोड़ने का फैसला कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में कहा गया कि सत्तारूढ़ BJP के संबंध में AIUDF के व्यवहार और रवैये ने उनकी पार्टी को चकित कर दिया है। बता दें कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता बोबिता शर्मा ने कहा कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF नेतृत्व और वरिष्ठ सदस्यों ने लगातार और रहस्यमय तरीके से BJP और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रशंसा करते हुए कांग्रेस की जनता की धारणा को प्रभावित किया है। इस संबंध में एक लंबी चर्चा के बाद कोर कमेटी असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि AIDUF और अब महाजोत का गठबंधन सहयोगी नहीं रह सकता है और इस संबंध में AICC को सूचना भी भेजी जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।